खास रख देने से कल सुबह ऐसा ऐसा बन जाए। सो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एडिबल है, पूरा नीचे तक गया हुआ है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नए दिन की शुरुआत पे स्वागत है सभी को। मेरा कुत्ता आ गया, वैसे बिल्ली यहाँ पे रहते है सुबह, अभी नहीं है। अकड़े भी यहाँ में होता है, तो यहाँ पे अकड़े उठ चुके हैं। अकड़े इसको खेलने का पड़ा है हमको। सो एक्चुअली क्या हुआ, अभी अभी कॉल आया है मेरा बड़ा भाई का, वो सुबह जंगल पे मशरूम बहुत सारा है लेने आओ बोल के। सो एक थैली लेके आओ बोले, वो उसका थैली कम पड़ रहा है बोल रहा था। सो अभी वही ढूंढ रहे हैं हम, थैली ढूंढ रहे। यहाँ पे मेरा टोपी है, यहाँ पे मेरा बैग, और यहाँ पे है, यहाँ पे मिल गया हम लोग बोस्ता भी। अभी ठीक बज रहे सुबह का 5:30 हो रहे। मेरा रूटीन वही है घर में, सबसे पहले नॉर्मली हम ही उठते हैं। ये हम लोग का सीढ़ी देखो भाई का किस तरह से बनाया है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते है। इसको पूरा लकड़ी से बनाया गया है। नाइस मॉर्निंग व्यू बस्ती का, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फ्रेश एटमोसफियर है। आई थिंक यही कहीं होना चाहिए था। वो आई थिंक नीचे पे काफ़ी वहाँ में क्या नीचे में क्या। तो गाइस वहाँ पे बड़े भाई जो वैसे कॉल करके हमारे पास आ रहा था, देखने भी आई थिंक बड़ा के रखते हैं वो जो वो गाइस वो जो देख रहे हैं वाइट वाइट करके वो सब है। तो हमें बड़ा भाई जो पत्ता वत्ता काट चुके हैं, एक बार हेलो बोलो ना। मेरा पता वो है बड़ा भाई, उसका नाम माइकल ताराम है, लास्ट वीडियो में बताने भूल गया था। और एक्चुअली गाइस सो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एडिबल है, पूरा नीचे तक गया हुआ है। सो फाइनली हम लोग को मिल गया, बहुत दिनों से हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहा था एडिबल वाला मशरूम। तो अभी एक सीजन में हम लोग मिल चुके हैं। सो बड़े भाई थोड़ा एक्सपर्ट है इसमें मशरूम का मामला में, थोड़ा लक भी इसका अच्छा है इसमें। ओ गाइस नीचे तक गए, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और स्वादिष्ट है आपको ये। हाँ इसका स्मेल भी बहुत बढ़िया है, ऐसे जला के भी खा सकते हैं इसको। वो नीचे वाला तो वो भी फ्रेश फ्रेश लग रहा है। तो अभी पानी जो लेके आया था उसका भी निकाल देगा, एक्चुअली भूल गया था मशरूम का चक्कर में। तो यहाँ पे हम लोग का बेग बोस्ता भी, शायद बोस्ता ही फुल हो जाएगा लग रहा है इसको देख के। गाइस नीचे में जाके देखते हैं। वाह गाइस इतना सुंदर है, ये ना ज़्यादा पुराना नहीं होगा, ये बस कल रात का होगा। कोई कोई पुराना हो सकता है जो बड़ा हो गया, बट ये वाला ना आज रख देने से कल सुबह ऐसे ऐसा बन जाएगा बड़ा। बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होता है, जैसे कि मैंने पिछला वाला वीडियो में भी बताया था। हालांकि इसमें हम लोग को मशरूम बिल्कुल भी नहीं मिला था, बस आज ताबड़ तोड़ हो गया है, वहाँ पर पुराना हो चुका है। सो अभी इसको तोड़ते हैं। तो मेरा इतना जोश जोश में पूरा मेरा बैग को ही भूल गया लेके आने। हम नीचे से तोड़ने शुरू करते हैं। ये जो देख रहे हैं ये एडिबल नहीं है, रेड वाला, इट्स वेरी डेंजरस पॉइजनस होता है। तो ये वाला पुराना हो चुका है, बट पुराना होने से भी ये वाला भी एडिबल है, ये भी अच्छा है, इसका सूप पीने से बहुत हेल्दी है। सो गाइस ये रहा मेरा थैली, अभी नीचे से जाके हम लक करिए। ये जहाँ था गाइस ये भी, इसका भी एक पर्टिकुलर पेड़ होता है जहाँ पे निकालते हैं, तो ये पेड़ पे निकलते हैं। ये जो एक्चुअली सर चुके गाइस देख सकते हैं कहाँ से निकल के बेटा, यहाँ से शुरू है, वहाँ से शुरू है एक्चुअली, एक दो है वहाँ पे, यहाँ से लंबा से करके इस तरह से जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जाते हुए ऊपर तक है। तो गाइस देख सकते हैं ये लोग भी कल परसों को बड़ा हो जाएगा। ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो सबसे एकदम नया नया वाला, ये बीच का होता है, पुराना भी नहीं नया भी नहीं। इसको बॉईल करके आप फ्राई करके दोनों में अच्छा लगता है हमको।
ये तो पुराना हो चुका है काफ़ी, बट कोई नहीं, ये भी खाया जा सकता है। यहाँ पे चीटी भी गई थी, ये चीटी हम दिखाया था इसका मेरे एक वीडियो पे, इसका खाया जाने लार्वा को दिखाया था। सो जो जो वो वीडियो को नहीं दिखाया उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देगा, जाके देख लेना। तो सामने में और कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा, शायद यही था एक पेड़। तो गाइस ये एकदम बड़ा बड़ा, देख सकते हैं कितना ज़्यादा हेल्दी लग रहा खाली कर चुका है। तो वहाँ पे बस थोड़ा सा रही है, देखिए कितना सारा तोड़ चुका है। ये पूरा का पूरा मशरूम है, एडिबल है पूरा सब। जनरल में इसको तादर बोलते हैं, लेकिन ऐसे इसको पार्टिकुलर अगर नाम से हम लोग जाना, लंगोट नाम से जाना जाता है पार्टिकुलरली हम लोगों का यहाँ का लोकल नेम है। आप लोगों का वहाँ पे अलग अलग नाम से भी जानता होगा। बारिश गिरेगा जैसे हमको लग रहा है, आसमान को देख के उसका बीक में भी वो बराए गए। पूरा का पूरा इतना सारा मशरूम गाइस, हम खुद भी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं, और पहली बार इतना सारा मशरूम को लेके वजन उठा रहे। 10 किलो का हो गया मेरा भार अभी। इधर में भी ऑलरेडी पहुंच गया, बाप रे पूरा दबाया गया है बोल रहे। इधर में भी इनसेन गाइस, ये इनसेन हो गया। पानी नहीं पिएगा, पानी वगैरह सब हो चुका है, अभी मेरे को निकालना पड़ेगा क्योंकि ये भी अभी काम जाएगा वापस। हम लोग तो गाइस बस्ती में ऐसे रहते हैं, सुबह जल्दी उठो काम पे जाओ, ये यही हम लोग यहाँ का मॉर्निंग रूटीन। जिम वगैरह जाने का कोई ज़रूरत नहीं होती, एक्चुअली हो जाते हैं आपके एक्सरसाइज जंगल जाके। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं हम लोग फाइनली, ये हम लोग चिकन का घर को पहुंच चुके हैं। बहुत गर्म लग गया। सो करे भैया में तुम्हें मशरूम खाएगा ठीक से, मशरूम खाएगा उठो अब ये रितेश अकुरे भी बहुत खुश है। तो गाइस कैमरा मैन मेरा जैसे कि भाई है, लास्ट वीडियो में पता चल गया अभी तो, और ये पूरा का पूरा मेरे ख्याल से 5 किलो का तो होगा। वाह यहाँ पे है, गरम गरम हो गया गरम गरम है बेका वाला पूरा इनसेन। इतना तो आज तक नहीं देखा हम भी। इसको फ्राई करके बॉईल करके पूरा अपना अपना स्टाइल में खाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जितना भी मशरूम मिला इसको बाद में शाम को पका लिया जाएगा, तो अभी हम लोग सीधा कुकिंग का प्रोसेस में मिलते हैं।
तो गाइस यहाँ पे है मशरूम। हम लोग सुबह जैसे कि देखा था बहुत सारा मिला था, आधा को पड़ोसी वगैरह किसी को देना, जिसको देना था दिए और बाकी को बेच दिए। वो इतना सारा था उसको हम लोग खा के भी ख़त्म नहीं करेगा, सो खुद का खाने के लिए थोड़ा यहाँ में रखा है, जिसको अभी हम पकाएगा। इसको दो आइटम में पकाएगा, एक तो फ्राई करेगा, एक तो बॉइल किया जाएगा बिल्कुल लोकल स्टाइल। इसको जो ये मशरूम का ये जो जड़ होता है इसको ऑलवेज काट देना पड़ता है, इस तरह से कुछ काटना पड़ेगा। इस तरह से इसको नहीं काटने से इसमें मशरूम का एक्चुअली जहर पेटे हुए ये सब बड़ा लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कुछ भी जहरीला कुछ होने से यहाँ पे निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों का मशरूम का नीचे का पोर्शन जिसको हम लोग नहीं खाएगा, और यहाँ पे जिसको हम लोग खाएगा इसको काट चुके हैं और थोड़ा बहुत रख दिए, इसको हम लोग कल पकाएगा, पूरा काट देने से भी इतना ख़त्म नहीं करेगा। तो गाइस इसको हम धो चुके हैं, इसको बॉयल किया जाएगा पहले, तो आधा को फ्राई करेगा। मेरा खाना पीना भी पक चुका है अभी, तो आज थोड़ा लेट हो गया खाना पीना। तो वैसे मेरा भाई लोग खाना खा चुका है, अभी हम खाते हैं इसको। बहुत साल बाद मशरूम खा के अच्छा लग रहा है। सूप बॉयल मशरूम भी है यहाँ पे, बॉयल मशरूम बहुत ही ज्यादा झाल है, मजा लग रहा है। ये फ्राइड क्या है, चिकन से ज़रा अच्छा लग रहा है मशरूम, शायद बहुत साल बाद खाया है बोल के ऐसा लग रहा है क्या। तो अभी इसको हम फिनिश करेंगे, इसके बाद मेरा कुत्ता लोग को भी दे देगा। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।